मैं अम्मी को बिल्कुल नहीं मना पा रहा। मैंने उनसे कहा कि प्यार होना जरूरी है, प्यार के अलावा कुछ भी जरूरी नहीं। कहती हैं ये शादी से पहले नामुमकिन है। मुझे तुम ही कुछ बताओ, तुम ही कोई अच्छा मशवरा दो। कारा से पूछूंगा, वो कहेगी मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हारे अलावा और कौन है मैं जिससे ये सब पूछ सकता हूँ। वो मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे भी इसकी कोई समझ नहीं। इसे समझने के लिए मोहब्बत करना जरूरी है। तुम चाहो तो यहाँ पर कुछ और परिंदे बन सकते हैं। आपस में बातें क्यों नहीं कर रहे हैं, बताएं अंकल। बस दफा खामोशी बहुत कुछ कहती है मेरे प्यारे भतीजे। दो लोग खामोश रहकर भी बात कर सकते हैं। देखिए अंकल, मैंने परिंदे बनाए हैं, अब आप इसे अपने पास रख सकते हैं। मैं अपनी कीमती चीजें यहां रखता हूं, इसे भी यहीं रखूंगा। अब मैं ये कप्स वगैरह ले जाती हूँ यहाँ से। देख रही हूँ उसका साया बन गई हो, उसे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ती। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ क्या प्लानिंग है तुम्हारी सहर। ये क्या कह रही हो जुहार? तुम्हें सिर्फ मौके का इंतजार है, यूसुफ तो सिर्फ एक बहाना है तुम्हारे लिए। तुम एक अच्छी खाला बनकर यमान को धोखा दे रही हो, उसे अपनी मासूमियत से मुतासर कर रही हो। तुम अपने उस सड़े हुए मोहल्ले से अपनी जान हमेशा के लिए छुड़वाने के लिए सब कुछ कर सकती हो, ठीक कहा ना? क्या हुआ सहर, तुम क्यों कुछ नहीं कह रही? कुछ कह भी नहीं सकती क्योंकि मैं हक पे हूं। जुहाल तुम्हारी ये बातें, ठीक है
ठीक कहती हो तुम। जाहिर है यूसुफ बहुत बोर हो जाता होगा। हम तो यहाँ बस यूसुफ की देखभाल करने और उसका दिल बहलाने के लिए ही तो है। क्या इसने कुछ कहा? मिस सहर, सोशल वर्कर्स आपसे मिलना चाहती हैं। वो नीचे इंतजार कर रही हैं। सुकून रहो, साथ चलकर देखेंगे क्या मामला है। सब खैर तो है ना? सहर करीम ओगलो, हम आपके दिए हुए एड्रेस से होकर आ रहे हैं। हमने आपके पड़ोसियों से भी बात की और हमें पता चला कि आप काफी अरसे से वहाँ नहीं रह रही हैं। और ये यूसुफ की सरपरस्ती के लिए जरूरी था। अफसोस कि आपको इसकी बड़ी कीमत अदा करनी होगी। से यहाँ रह रही हैं मिस सहर? ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है। हम आपसे बाद में तफसील से बात करेंगे, मगर इससे पहले हमारी एक्सपर्ट यूसुफ करीमली से बात करेंगी। यूसुफ अपने कमरे में है, मैं जाकर उसे देखती हूँ। यमान, क्या हो रहा है ये सब? आपको मैंने शायद पहले भी देखा है, आप आई थी इधर। जी, हमें पता चला है कि मिस सहर को जिन शराइत पर सरपरस्ती दी गई थी उन्होंने वो पूरी नहीं की। क्या मतलब है इस बात का? इदारे ने मिस सहर को उनके भांजे यूसुफ करीमली की सरपरस्ती इस शर्त पे दी थी कि यूसुफ करीमली उनके साथ किसी और दूसरे घर में रहेगा ताकि उसे मजीद नुकसान से बचाया जा सके। मगर हमने देखा कि मिस सहर ने हमें अपना वो घर दिखाने के बाद फिर से मेंशन में रहना शुरू कर दिया। नुकसान से आपका क्या मतलब है? यूसुफ मेरा भतीजा है, अगर उसको बाल बराबर भी नुकसान पहुंचेगा तो इस दुनिया को जलाकर राख कर दूंगा मैं। मैं कोई जाती फैसला नहीं दे रही हूँ, मैंने सिर्फ इस फैसले का जिक्र किया है जो इंस्पेक्शन के नतीजे में मर्तब किया गया था। आपा, सब कुछ ठीक तो है ना? देखिए यमान साहब, हम सिर्फ इस बात का तायीन करना चाहते हैं कि यूसुफ के लिए क्या बेहतर है, इसलिए अगर आप ताउन करेंगे तो हमें खुशी होगी। मुझे अब चलना चाहिए। नहीं, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, उसके बाद तुम्हें घर छोड़ दूंगा मैं।
ऑफिसर, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। तुम कह रही हो तुम ठीक हो, मगर अभी तक तकलीफ से कांप रही हो। प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो किराज, लगता है अम्मी कोई रिश्ता सेंटर चला रही हैं। लड़कियों की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं मुझे। लेकिन घर जा रही हूँ मैं। हाँ तो मैं भी साथ में घर चलता हूँ, सुल्ताना खाला से भी मशवरा कर लूंगा। ठीक है, तुम भी हमारे साथ चलो। मेरी जान, निकलो ना बाहर तुम इससे प्लीज। ये चादर नहीं, खैमा है मेरा। मुझे अंदर नहीं आने दोगे? क्या मैं भी आ सकती हूँ तुम्हारे पास? हम्म, मुझे इजाजत नहीं है क्या तुम्हारे पास आने की? लेकिन मैं बीमार हूँ खाला, आप भी बीमार हो जाएंगी। या अल्लाह, देखो जरा, बुखार तो नहीं लग रहा, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या कहीं? खाला, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा, मुझे मत भेजें। अगर मैं बीमार हो जाऊंगा तो वो मुझे नहीं लेके जाएंगे ना? बिल्कुल लेकर नहीं जाएंगे तुम्हें यहाँ से। वो लोग तो सिर्फ तुमसे बात करना चाहते हैं बस। वैसे भी वो लोग बहुत अच्छे हैं, सिर्फ अपना काम कर रहे हैं मेरी जान। और मैंने क्या वादा किया था तुमसे, याद नहीं क्या तुम्हें? मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी तुम्हें, चचा भी नहीं जाएंगे तुम्हारे। और तुम्हारा घर तो यही है ना, देखो तुम्हारी रजाई भी यही है, तुम परेशान नहीं हो बिल्कुल भी। यूसुफ बेटा, खाला, डरो नहीं मेरी जान। खाला की जान, मैं दरवाजे के बाहर ही इंतजार करूंगी तुम्हारा। हूँ, बल्कि तुम इन लोगों को बताओ तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। ओके मेरी जान। तुम इस डीजल जैसी चीज को अपनी जुबान में चाय कहते हो, अफसोस होता है तुम पर। आप अभी तक यहीं पर हैं खाला? वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, किरपी की चाय डीजल जैसी होती है, चाय को तो जायकेदार होना चाहिए। चाय को छोड़ो, ये बताओ इब्राहिम कहाँ चला गया? वो इबू इंस्पेक्टर अली के साथ उनके घर गया है। मुझे यहाँ छोड़कर? इंस्पेक्टर के साथ गया है तो जरूरी काम होगा। मुझे उसका पता लिख कर दो, मैं खुद जाकर देखती हूँ। शायद वो अपना फोन होल्डिंग में भूल गया हो। नदीम, कहाँ हो तुम? मैं मीटिंग में था ईमान, कहो क्या हुआ? तुम्हें कहा भी था कुछ हो तो मुझे बता देना, वो यूसुफ को लेने यहाँ आ गए हैं। तुम्हारे आदमी इतना सा काम ना कर सके? जमान, इस मर्तबा सूरतेहाल रूटीन से बिल्कुल मुख्तलिफ है, मेरे आदमी को भी इस बारे में नहीं। तो किसने किया फिर? जाहिर है किसी ने शिकायत की है। जिसने भी ये किया उसका फौरन पता लगाओ। सुन लिया तुमने? मैं उससे खुद निमट लूंगा। और इसी वक्त वकीलों को मेंशन भेजो। सुनो यमान, क्या मैं कुछ कर सकती हूं? अगर मैं उनसे बात करूं तो शायद वो। क्या तुम्हें पता था इस सब का? मैं नहीं जानती कि सहर हम सबसे ये क्यों छुपाती रही।
खबर थी मुझे इसकी। काश कि तुमने मुझे बताया होता इस बारे में, हम मिलकर हल ढूंढ लेते। देखो हम शहर को कहीं और भी तो रख सकते थे। गलत मत समझना, शहर को बहुत पसंद करती हूँ मैं, लेकिन अगर वो यूसुफ को ले गए तो क्या होगा? मुझे तो बस यूसुफ की फिक्र खाई जा रही है। यूसुफ की खाला उसकी खुशी के लिए उसे यहाँ लाई थी, मैं भी यही चाहता था। तुम्हें लिहाफ ओढ़कर रहना पसंद है क्या यूसुफ? मुझे पसंद है। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि तुम इस घर में खुश हो? खुश हूँ। अंकल यहाँ है, खाला यहाँ है, सब यहाँ है। क्या तुम दूसरे घर जाना चाहोगे? मिसाल के तौर पर खाला के साथ नए घर में, वहाँ रहना चाहोगे? मेरा घर यही है, मुझे दूसरा घर नहीं पसंद। अंकल का बताओ, क्या तुम्हें अपने अंकल से मोहब्बत है? मुझे इनसे बहुत मोहब्बत है। आपको पता है मेरे अंकल के पास दो दिल हैं और मेरे अंकल देव की तरह हैं। क्या वाकई? इसका क्या मतलब है? क्या तुम उनसे डरते हो? वो अच्छे दिल वाले देव हैं। अंकल मुझे और खाला को हर किसी से बचाते हैं। किस तरह बचाते हैं? क्या वो अपने मुक्कों से लड़ते हैं? अच्छे दिल वाले देव अपने दिल से लड़ते हैं, मुक्कों से नहीं लड़ा करते, अंकल ने बताया। बहुत खूब। अगर आप मुझे नहीं लेकर जाएंगे तो अंकल मुझे इस खेमे से निकाल लेंगे। तुम्हें ये देव की कहानी तुम्हारे अंकल ने सुनाई थी? अंकल मुझे कहानियाँ सुनाते हैं, हम मिलकर नाश्ता करते हैं, मैं उनके लिए ड्रॉइंग बनाता हूँ और वो मुझे टॉफियाँ देते हैं। मेरी वजह से हुआ है, अल्लाह पाक मेरी गलती की वजह से उसे हमसे जुदा मत करना। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने यूसुफ की खुशी को हर चीज से बालातर समझा। यूसुफ खौफ के मारे अपनी रजाई में छुप गया मालूम है, रजाई में छुप कर अपने आप को महफूज महसूस कर रहा है। जो भी हो जाए उसे ले जाने की इजाजत मत देना। तुमने कभी यूसुफ को गलती से भी परेशान नहीं किया, इसलिए तुम खाला की हैसियत से अपने आप को संभालोगी। लेकिन यूसुफ हमारे बगैर एक रात गुजार नहीं सकता। लेकिन मुझे मालूम है तुम हो यहां
यूसुफ का हाथ कभी नहीं छोड़ा तुमने, क्योंकि तुम एक देव हो उसके लिए। हम दोनों उसके पास हैं। फिक्र मत करो, यूसुफ को कहीं नहीं लेकर जाएंगे वो। यूसुफ बहुत डर रहा होगा ना यमान, उनकी बातें खत्म नहीं हुई अब तक। काश कि ये सब ना हुआ होता, काश कि हमें पता होता कि ये सब क्या चल रहा है, तो मैं बात को यहाँ तक नहीं पहुँचने देती, संभाल लेती। आप सही कह रही हैं, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। भाभी, मेरे साथ चलो तुम। सुहार, क्या कर रही हो तुम? छोड़ दे मुझे आपा, मैं वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। खुद को संभालो। क्या आपने उसे रुमाल से मगरमच्छ के आंसू साफ करते हुए नहीं देखा? वो किस तरह से उसके आंसू साफ कर रहा था। चलो चलो अपने कमरे में चलो, चलो जल्दी चलो। जुआ, मेरी तरफ देखो। तुम अपने मोहल्ले में रहने के बजाय यहां आ गई क्योंकि यूसुफ वहां बहुत उदास था। तुमने कोई भी गलती नहीं की। सोचना चाहिए था मुझे, यूसुफ को रिस्क में नहीं डालना चाहिए था। तुमने बहादुरी से वो रिस्क लिया था। हम यूसुफ के घर वाले हैं और वो इसे हरगिज नहीं ले जाएंगे। मैं यूसुफ को इस वजह से उदास नहीं होने दूंगा। तुम्हें और यूसुफ को कुछ नहीं होगा। तरह कांप रही हो, तुम समझती हो तुम कमजोर हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी ताकत बन सकता हूं। तुम रो मत। कुछ बेहतर हो तुम?
मैंने इसे खराब कर दिया। देखो तो, शायद ही बहुत खास था तुम्हारे लिए, बर्बाद कर दिया। जिंदगी दी है, यूसुफ को अब अपने आप को संभालो। यूसुफ तुम्हें इस हाल में ना देख पाए। हम कमरे में, हाँ वो नागिन जहर हमारी नजरों के सामने कितना कुछ करती फिर रही है, हमेशा मजलूम बनी फिरती है, और हम लोग यहाँ बंद हो गए हैं। अभी तो ये सब शुरू हुआ है, तुम्हें रिलैक्स रहना होगा। किस नई चीज के बारे में बात कर रही हैं? कौन सी नई चीज शुरू हुई है? यमान ने वो रुमाल जहर को दिया है, मैं अभी जाके उसको उसकी हद याद दिलाती हूँ। रुको, सुहान छोड़ बैठो। सोशल सर्विस वाले जब तक फैसला नहीं कर लेते उस वक्त तक तुम खामोश रहोगी। इस मामले को खत्म होने दो पहले। तुम्हारी इस जेलिसी की वजह से मैं अपना मंसूबा किसी सूरत खराब नहीं होने दूंगी। हिलना मत यहाँ से। क्यों नहीं समझ रही मुझे? मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्यों आपने नहीं देखा, यमान का उसके साथ गुजरने वाला हर लम्हा मेरे लिए जहन्नुम से बदतर है। उनकी आंखें मिलने के हर एक लम्हे में मैं खुद को अंधा महसूस करती हूँ, लेकिन आपको ये नजर नहीं आता। लेकिन मैं मोहब्बत का दरिया बहता देखती हूँ यमान की आंखों में। आपने मुझे खुद बताया था, वो अपना रुमाल किसी को नहीं देता, चाहे वो किसी के जनाजे पे क्यों ना हो। यमान ने शहर को रुमाल दे दिया, वो शहर के पास है। अब वो शहर के पास है रुमाल। बताए मैं क्या करूं? ठीक है, अब देखना कि ये हालात बिल्कुल बदल जाएंगे। तुम चाहती हो कि यमान सिर्फ तुम पर तवज्जो दे, पूरी तरह तुम्हारा हो जाए, तो सब्र करना होगा, सुकून से रहना होगा। यूसुफ को अब उनसे छीन लिया जाएगा और उस नागिन खाला को निकाल दिया जाएगा यहां से। हर चीज ठीक हो जाएगी। बस थोड़ा और इंतजार। तुमने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई यूसुफ। क्या ये बड़ा दियो कभी अपने भतीजे पर चीखता है? क्या वो तुम्हें बाहर घूमने फिरने की इजाजत देता है, खेलने कूदने देता है? मुझे अब अंकल और खाला से मिलना है, मैं अब बहुत बोर हो गया हूँ। ये इंटरव्यू बस खत्म होने वाला है, तुम बस हमें हमारी कुछ बातों का जवाब दो, फिर हम तुम्हें तुम्हारे अंकल और खाला से मिलने देंगे। क्या फिर आप मुझे उनसे दूर ले जाएंगे? मुझे आप अंकल और खाला से अलग तो नहीं करेंगे ना? तुमने बड़े दियो के बारे में नहीं बताया, क्या जब वो चीखता चिल्लाता है तो तुम्हें उनसे डर लगता है? मैं उन्हें बहुत चाहता हूँ, डर नहीं लगता मुझे। क्या हो जाता अगर तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चली जाती? वो सही से ट्रीटमेंट कर देते। इससे बस जलन तो हो रही है, परेशानी की क्या बात है हाँ? और
तुमने काम से छुट्टी भी कर ली, क्यों ना तुम्हारे लिए मौसीकी की महफिल का इनेकाद किया जाए। नहीं सुल्ताना खाला, मैंने तो कहा मैं ठीक हूँ, मगर सलीम ने। ठीक नहीं हो तुम, इसका हाथ बहुत जल गया है, डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। हाँ तो इब्राहिम, तुम तो यहाँ मुझसे कुछ बात करने आए थे ना, तो करो ना बात। हाँ मैं ठीक हूँ क्रास, तुम मुझे तंग मत करो। तुम क्यों उखड़े उखड़े लग रहे हो? सुल्ताना खाला, इब्राहिम की अम्मी ने उसकी शादी के लिए कुछ लड़कियाँ देखी हैं। आप इसको कोई मशवरा क्यों नहीं देती? अरे मुझे तजुर्बा तो है, अल्लाह का शुक्र है मैं कई लोगों को मशवरा दे चुकी हूँ, तुम्हें भी दे दूंगी, क्या मसला है? मुझे मदद नहीं चाहिए, मैंने अपनी अम्मी से जान छुड़ा ली है तो अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, मगर कोई अम्मी से कैसे जान छुड़ा सकता है? मेरी अम्मी टर्मिनेटर की तरह अपने इस मिशन पर पूरी तरह फोकस हैं। मुझे परेशान ना करें, मैं कुछ ही देर में चला जाऊंगा। मैं देखती हूँ। इंस्पेक्टर तुम मुझसे नाराज मत हो, मैं और क्या करता, मैं पूरी तरह तुम्हारे रहमो करम पर हूँ। मेरा मतलब है मेरी अम्मी इस जगह कभी नहीं पहुँच सकती, वो ऑफिस में कुछ देर मेरा इंतजार करेंगी फिर वापस चली जाएंगी, तो मैं भी चला जाऊंगा। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी बेटे। मैं तुम्हारा पीछा किसी भी हाल में छोड़ने वाली नहीं हूँ। अपनी अम्मी से चलाकी करते हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ समझे? अम्मी? क्या अम्मी? वो असल में मैं। आज इस बात का फैसला यहीं पर होगा, तुम आज इन लड़कियों में से किसी एक को लाजमी पसंद करोगे। बैठ जाओ यहाँ टिक के। किचन में आना किरास। खैरुन्निसा थोड़ा सांस तो ले लो, तुमने तो आते ही सर पे आसमान उठा लिया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, तस्वीरें उठाओ नीचे से, जल्दी करो। हाथ दिखाओ जरा, तकलीफ चेहरे से जाहिर हो रही है तुम्हारे। अब अगर तुम हॉस्पिटल नहीं जा रही तो मैं तुम्हारी पट्टी कर देता हूँ। ऑफिसर मुझे ज्यादा दर्द नहीं हो रहा। कोई बहाना नहीं सुनूंगा मैं। मैं देखती हूँ। रुको तुम, इंतजार करने दो उसे, हाथ धो अपना, काफी चला। मैं जाकर देखता हूँ। सब कुछ ठीक तो है अली? हाँ सब ठीक, इसका हाथ जल गया है लेकिन हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं है, बस इसलिए मैं खुद ही इसकी पट्टी कर रहा हूँ। मैंने तो इनको बहुत मना किया था। जल्दी से ठीक हो जाओ किरास। शुक्रिया। पुरसुकून हो जाओ, मैंने जो कहा है उसे भूलना मत, तुमने यूसुफ की बेहतरी के सिवा कुछ भी नहीं किया है। मेरी जान, देखो मैंने तुमसे कहा था ना डरने की कोई बात नहीं है। हमने यूसुफ से कुछ देर बातें की, इसके अंकल ने इसे बहुत अच्छी कहानी याद करवाई है। यूसुफ आपसे बिल्कुल नहीं डरता है, इसके बरक्स उसे आप पर भरोसा है। बिल्कुल ऐसा है, मैं इसका अंकल हूँ, मेरा और इसका ताल्लुक इतना गहरा है कि आप उसे फकत दो मुलाकातों में नहीं समझ सकते। तुम फिक्र मत करो मेरे प्यारे भतीजे, हर चीज बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आइए मिस सहर। मिस सहर, पहले हमें ये बताइए कि आपने खिलाफ वर्जी क्यों की?
आपको हमारे इदारे की शर्त का बाखूबी इल्म था, तो आपने क्या सोच समझकर खिलाफ वर्जी की? यूसुफ के लिए। आपने यूसुफ को खो देने के डर से ये खतरा मोल ले लिया, क्या आप ये कहना चाहती हैं? जी, यूसुफ की ना तो माँ है ना ही बाप है, इसी वजह से वो मुझसे और अपने चाचा से बहुत करीब है। हम दोनों में से कोई एक भी ना हो तो उदास हो जाता है, और इस तरह तो उसके जहन पर बुरा असर पड़ेगा। उसकी मासूमियत, उसके जज्बात खत्म हो जाएंगे। इसी वजह से ये रिस्क लेने पर मजबूर हो गई मैं। यूसुफ का अपने अंकल से ताल्लुक हमें मालूम था, जैसे कि हमने अपनी पिछली रिपोर्ट्स में भी इसका जिक्र किया था। वो यमान करीमली था जो यूसुफ के लिए नुकसानदेह था। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, शुरू से ही यूसुफ और उसके चाचा के बीच में मोहब्बत का रिश्ता रहा है। यूसुफ ने अपने बाप को नहीं देखा, इसी वजह से एक मर्द होने के नाते उसके लिए रोल मॉडल उसका चाचा है। उसके अलावा यूसुफ के लिए बदलने वाला, उसे खुशियां देने के लिए, उसे मोहब्बत देने के लिए सब कुछ कर जाने वाला चाचा है यमान। लेकिन हमारा नुक्ता नजरिया उनके बारे में अभी तक तब्दील नहीं हुआ। मैंने जो कुछ किया नेक नियति से किया यूसुफ के लिए, लेकिन हमने इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया मिस सहर। आज जब आपके सामने हमारा फैसला आएगा तो हो सकता है आप हमें ज्यादा अच्छे से समझने लगे, क्योंकि आपने किसी मंतक के बजाय जज्बात से सोचना शुरू कर दिया। वो समझते हैं कि आप बहुत बुरे हैं, लेकिन आप तो बहुत अच्छे और बड़े दिल वाले देव हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। यमान, यूसुफ को उनके हवाले मत करना, घर का सुकून बर्बाद हो जाएगा। यूसुफ यहीं रहेगा। आप फिक्र न करें भाई। अंकल, वो लोग मुझे लेने आए हैं। चलो छुप जाते हैं यूसुफ। हाँ, हम ऐसी जगह छुप जाएंगे जहां से वो लोग हमें कभी ढूंढ ना पाए। हाँ यमान, चलो छुप जाए, इसे छुपा देते हैं। हम सब छुप जाएंगे, लेकिन खाला को आने दे, फिर कोई नहीं ढूंढ पाएगा हमें। सुल्ताना आपा, खुदा के लिए मुझे बताइए, क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? क्या मैं अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ कर नहीं सकती? इसे लगता है कि मैं इस पे जुल्म कर रही हूँ। इसमें क्या गलत है? हर माँ बाप, अंकल आंटी अपने बच्चों और फिर उनके बच्चों को देखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं भी अपने अली बेटे की शादी करवा के मैं भी उसके बच्चों को देखना चाहती हूँ। क्यों अली? चलो ठीक है, फिर यहीं से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। तुम्हारे लिए ये पहली लड़की सादिया, ये बहुत अच्छी बावर्चन है। बीफ के पेटीज, गोश भरी सब्जियां, मजेदार समोसे और भी बहुत कुछ, इसे सब कुछ बनाना आता है। बहुत काबिल लड़की है ये। आलिया खाला इसकी बहुत तारीफ करती हैं। देखो इस लड़की में बहुत सी खूबियां हैं। इसे देखो, ये सईदा है। देखो ये कितनी खूबसूरत लड़की है। कई लड़के इससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन इसने इनकार कर दिया। अपना पूरा घर संभालती है ये। जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। तो ये आते ही काम शुरू कर देगी। आपको बहू चाहिए है या मुलाजमा? चुप रहो तुम। ये देखो, तुम्हारी शादी मैं इससे करवाऊंगी। इसने अभी ग्रेजुएशन किया है। इसे घर के काम तो नहीं आते, लेकिन मैं सब कुछ सिखा दूंगी। ये कोई एक्ट्रेस या मॉडल है क्या? किस कदर मेकअप किया हुआ है इसने? नहीं बेटे, ये कोई मॉडल वॉडल नहीं है, टेक्सटाइल ग्रेजुएट है। सहर, हमें कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ बैठकर अपना फैसला लिख सके। क्या हमें कुछ देर के लिए कमरा फराम कर सकती हैं?
पहले मेरे वकील आप लोगों से मिलना चाहते हैं, उसके बाद आपको फैसले के लिए कमरा फराहम कर दिया जाएगा। इकबाल भाभी, क्या आप इन्हें उनके पास ले जाएंगी? ठीक है यमान, चले मेरे साथ। ठीक हो ना तुम? अंदर क्या बातें हुई? तुम्हारा यूसुफ के बारे में और इस घर के हर शख्स पर कितना भरोसा है मुझे, उसके बारे में सब बता दिया मैंने। मैंने हर बात बता दी उन्हें कि तुम्हारे दिल में यूसुफ के लिए कितनी मोहब्बत भरी है। यूसुफ की हिफाजत, उसका ख्याल और उसके लिए तुम सब कुछ कर सकते हो, ये बता दिया मैंने उन्हें। ये तो यूसुफ ने भी बता दिया उन्हें। कहता है मेरे चाचा देव जैसे हैं, बहुत अच्छे दिल वाले, लेकिन अब क्या होगा? तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हें नाखुश नहीं होने दूंगा, यूसुफ को भी और तुम्हें भी।